अब हम आते हैं अपने सिस्को स्विच की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। मैं एक स्विच ले लेता हूँ और इसे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ये मेरा स्विच स्टार्ट हो रहा है। ये मेरा स्विच स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले ये यूज़र कॉन्फ़िगरेशन मोड में स्टार्ट होता है। यहाँ पर इसका हाउस नेम स्विच है और इसके सामने ये एरो जो है इसको शो कर रहा है कि ये यूज़र कॉन्फ़िगरेशन मोड में है। यूज़र कॉन्फ़िगरेशन मोड वो मोड होता है जहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली कमांड चला सकता हूँ, यानी वो कमांड जिससे मैं सिर्फ और सिर्फ अपने स्विच को की कॉन्फ़िगरेशन को देख सकता हूँ, वो भी एक लिमिटेड लेवल तक। तो यूज़र कॉन्फ़िगरेशन मोड में जब मैं हेल्प साइन को प्रेस करूंगा तो आप देखें कि इसने मुझे यूज़र कॉन्फ़िगरेशन मोड की सारी कमांड यहाँ पर शो कर दी। तो ये बहुत कम कमांड होती हैं यूज़र कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जिसमें इनेबल है और जिसके अंदर शो कमांड है। मैं शो के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें देख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल FH प्रेस करने के बाद मैं टैब को प्रेस करूंगा। सिस्को स्विच पे आप कोई भी कमांड देंगे तो उसका एब्रिविएशन लिखने के बाद जब आप टैब प्रेस करेंगे या उस कमांड के 2 से 3 कीवर्ड लिखने के बाद जब आप टैब प्रेस करेंगे तो उस कमांड को कंप्लीट कर देगा। तो मैंने शो प्रेस किया। शो प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर फिर दोबारा से हेल्प लेता हूँ इसकी क्वेश्चन मार्क साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से। तो ये इसने मुझे शो कमांड की हेल्प दिखा दी है। तो यहाँ पर मुझे ये सारे शो कमांड के सामने मैं कौन कौन से पैरामीटर्स यूज़ कर सकता हूँ ये वो मुझे वो दिखा रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ये शो क्लॉक है, ठीक है, तो मैं शो क्लॉक लेता हूँ कंट्रोल सी। कंट्रोल सी यूज़ होता है किसी भी प्रोसेस को अगर आपने ब्रेक करना है, किसी भी प्रोसेस को अगर आपने रोकना है या किसी भी प्रोसेस से अगर आपने निकलना है तो उसके लिए सिस्को स्विच के अंदर कंट्रोल सी यूज़ होता है। अब मैं यहाँ पर शो क्लॉक करूँगा तो मुझे ये क्लॉक दिखा देगा। इसी तरह यूज़र कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर ये डिफरेंट कमांड मैं शो के साथ चला सकता हूँ। यूज़र कॉन्फ़िगरेशन मोड के बाद मज़ीद प्रिविलेज हासिल करने के लिए हम यूज़र प्रिविलेज मोड में जाते हैं। तो यूज़र कॉन्फ़िगरेशन मोड के बाद जो हमारा सेकंड मोड है वो है यूज़र प्रिविलेज मोड। यूज़र प्रिविलेज मोड में जाने के लिए यानी जिससे हमारा प्रिविलेज और ज़्यादा बढ़ जाएगा अपने स्विच की कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेस करने का, तो वो है इनेबल। अगर मैं इसको इनेबल मोड भी कहते हैं और इसको यूज़र प्रिविलेज मोड भी कहते हैं। मैं EN लिखकर मैंने टैब प्रेस किया तो उसने कमांड को खुद ब खुद कंप्लीट कर दिया। मैंने इंटर किया तो अब ये इनेबल मोड में आ गया। अब ये जो हैश साइन है बेसिकली ये शो कर रहा है कि ये इनेबल मोड के अंदर। मैंने क्वेश्चन मार्क को प्रेस किया जैसे ही तो उसने सारी कमांड शो कर दी हैं। ये देखें यहाँ पर मुझे डिफरेंट कमांड शो कर रहा है। मैं क्लॉक को मैनेज कर सकता हूँ, फाइल्स को डिलीट कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टरीज को देख सकता हूँ, डिसेबल कर सकता हूँ, डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ और ये डिफरेंट कमांड्स हैं इनेबल की। मैं फाइल सिस्टम को भी फॉर्मेट कर सकता हूँ। ये देखें यूज़र प्रिविलेज मोड के अंदर मेरी कमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यूज़र प्रिविलेज मोड के बाद जो मेरा नेक्स्ट मोड है वो है मेरा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल की कमांड लगाऊंगा और इंटर करूंगा तो ये मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे स्विच का ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड दिखा रहा है। यहाँ पर ये कॉन्फ़िग जो है ये कॉन्फ़िगरेशन मोड को शो कर रहा है और ये जो हैश है ये मेरा प्रिविलेज मोड से कॉन्फ़िगरेशन मोड में आने को शो कर रहा है, यानी मैं अब इस वक्त प्रिविलेज मोड से कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुका हूँ। यहाँ से एग्जिट करने के लिए मैं एग्जिट भी लिख सकता हूँ, यानी अपनी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद मैं एंड भी कर सकता हूँ और अपनी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के बाद मैं एग्जिट भी प्रेस कर सकता हूँ। ये दोनों कमांड से बाहर आ जाए और कंट्रोल सी भी प्रेस करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल के अंदर हूँ और मैं यहाँ पर मैं किसी टर्मिनल को कॉन्फ़िगर, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरफेस VLAN 1, अब आप देख सकते हैं कि अब मैं कॉन्फ़िगरेशन और इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ गया हूँ। IF मीन्स इंटरफेस। तो अब यहाँ से निकलकर मुझे कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना है, फिर मुझे वहाँ से निकलकर यूज़र प्रिविलेज मोड में आना है। अगर मैं कंट्रोल सी या कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा तो मैं डायरेक्ट यूज़र प्रिविलेज मोड में आ जाऊँगा सारी सारी कॉन्फ़िगरेशन मोड से निकल कर। और यहाँ से एग्जिट प्रेस करूँगा तो मैं वापस यूज़र प्रिविलेज मोड में आ जाऊंगा। तो इन शॉर्ट मेरे पास 3 मोड्स हैं, यूज़र मोड, प्रिविलेज मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड।